में मुन्ना मिसिर बी माई एजेंट का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने यश बाबू को साइन करके रखा था, हम लोग मजाक मजाक में साइन कर लिए थे। एक दिन यश बाबू का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि दादा हमारे पास एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है धीरू का, धीरू यादव जी का, आप उस सब्जेक्ट को सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस फिल्म को बनाइए, अदरवाइज मेरे बैनर से उस फिल्म को मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने धीरू जी को फ़ोन किया, धीरू जी आए ऑफिस में और हम लोगों ने वन लाइन सुना। वन लाइन सुनने के बाद में और धीरू जी से बात करने के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म जो है ना एक ट्रायो फिल्म है, कॉम्बिनेशन आदिशक्ति प्रोड्यूसर, यश एज एक्टर और धीरू जी एज डायरेक्टर, बहुत बेहतरीन एक आउटस्टैंडिंग फिल्म बन के आएगी, जो अमूमन इस टाइप का इस जोनर की फिल्म जो है ना भोजपुरी सिनेमा में बनी होगी, लेकिन मेरे नॉलेज से वो बहुत कम है। और जैसे जैसे इसका शूट शुरू हुआ, इसका प्री प्रोडक्शन किया, हम लोगों ने म्यूज़िक वगैरह करते गए, तो एक बहुत बेहतरीन फिल्म और बहुत अच्छे टाइम में ये ख़त्म होकर हमारे पास आ गई, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और जब इसका ट्रेलर आज सुबह ही हमने लॉन्च किया तो उसका जो प्रतिसाद मिला व्यूअर वाइज भी और कमेंट वाइज भी, तो उसमें मुझे एक नई एनर्जी मिली है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो सब्जेक्ट डे नाइट जो एक जो फिल्में बन रही है स्टीरियोफोनिक साउंड की, उससे अलग फिल्मों का हम लोग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है कि इस टाइप की फिल्में और हम बना सकते हैं। और मुझे इतने अच्छे ढंग से इन लोगों ने इस फिल्म को बना के दिया, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बन गया है। धीरू जी आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेलर लॉन्च हुआ है और लोगों का ये बोलना है कि गोविंदा और डेविड धवन की जो जोड़ी थी वो देखने के बाद लोग का यही आ रहा है कि ये जोड़ी है, आप क्या बोलना चाहेंगे उस पर? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, गोविंदा जी बहुत बड़े वो जोड़ी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा कॉमेडी किया था। जब भी मैं यश भाई के साथ काम करता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटेंस हो, कॉमेडी हो, फैमिली ड्रामा हो, हर सब्जेक्ट को जस्टिफाई करते हैं, मेरे तो पसंदीदा एक्टर हैं ये। और बहुत डायरेक्टर का काम बहुत ईजी हो जाता है जब एक्टर अच्छा हो, समझने वाले हो, सीन को समझे, तो मेरे लिए इनके साथ काम करना बहुत कंफर्टेबल रहता है और मैं हर जॉनर के सिनेमा इनके साथ बनाना आगे भी चाहूँगा। यस जी, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ट्रेलर आया है और ट्रेलर आपने जब देखा तो आपको कैसा लगा कि आपने अपने जो कला है, जो अभिनय है, उससे आपका जो है पूरा निर्णय जो अदाकारी है सही हुआ है? देखिए, मैं अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं जो कर देता हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि अब मुझे ये करना हो तो शायद मैं पहले से ज़्यादा बेटर करूँ, और यह मेरे ख्याल से हर अभिनेता के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और इस फिल्म का ट्रेलर तो आज रिलीज हुआ है, मुझे ये ट्रेलर काफ़ी पहले धीरू बाबू बुला करके दिखाए, दादा का फ़ोन आया कि ट्रेलर बना हुआ है यार जाओ देखो, मैं गया देखा ट्रेलर, धीरू बाबू भी थे और हम लोगों ने एक फाइनली एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये ट्रेलर वास्तव में एक आजकल की जो भेड़ चाल चालू है उसमें सबसे अलग है, और जब ये रिलीज़ होगा तो इसका प्रतिसाद अच्छा मिलेगा, तो आज रिलीज़ हुआ है। इसमें आपने दो भूमिका, मतलब आपके दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर हैं, आपको उसमें से सबसे ज्यादा जो मनोरंजन करने वाला है, आपको ज्यादा अच्छा लगा कि ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया हो गया? एक्चुअली आपने ऐसा सवाल किया है, जब ये कहानी धीरू बाबू ने सुनाई थी तो इसमें एक ही लुक था जो बाद वाला लुक है, तो जब कहानी इन्होंने सुनाई तो मैंने एक दो सवाल इनसे किए थे कहानी सुनते वक्त, मैंने कहा धीरू बाबू ये एक किरदार ऐसा है ये आखिर क्यों मरना चाहेगा भाई, जब इसके जीवन में सब कुछ है, 50 लाख का घर है, ये है, तो इस पे धीरू बाबू भी सीरियस हो, नहीं भैया अगर कोई एडवाइस हो तो बताइए। तो मैंने कहा कि एक शादी का सीक्वेंस डालते हैं हम, कि भाई एक आदमी जो जीवन में एक बीमा नहीं बेच पाया है फिर वो दुखी क्यों हो जाएगा, क्यों मरना चाहेगा, तो हम लोग एक मैटर डालते हैं कि कुछ एक ऐसा मैटर हो जिससे आगे ये एक डिसीजन लेके किसी काम का नहीं है। तो हमने इनको एक मैंने बताया कि धीरू बाबू एक शादी का सीक्वेंस डालते हैं कि ये शादी करना चाहता है और कोई लड़की तैयार नहीं होती है, इन्होंने कहा भैया अच्छा आइडिया है, वो डाला गया। फिर डालने के बाद मैंने एक चीज़ और कहा, यार लड़का देखने में स्मार्ट है, कोई मना क्यों करेगा, तो मैंने कहा धीरू बाबू इसको गेटअप से खेलते हैं, एक मैं पेट बढ़ाता हूँ, पेट लेता हूँ, और एक वीग मैंने बताया कि ऐसा हम लोग एक वीग यूज़ करते हैं, चुटिया यूज़ करते हैं, तो एक अच्छे डायरेक्टर की ये बात हमेशा होनी चाहिए कि अगर उसको कुछ अच्छे एडवाइस मिले तो वो एक्सेप्ट करता है, तो मैंने ये जो दो तीन एडवाइजेस दिए ये धीरू बाबू ने एक्सेप्ट किया, ये एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान होती है, क्योंकि आपका एडवाइस कहीं से भी अच्छा एडवाइस एक स्पॉट बॉय से मिल जाएगी, तो ये एडवाइस ये माने, ये मानने के बाद से फिर हमने
जो पेट निकलने वाला गेटअप था, जो पान खाने वाला था, ये सारी चीज़ें हमने रखा। इस फिल्म का पहले नाम हम लोग दूसरा नाम रखने वाले थे। फिर मैंने कहा कि फिर दादा ने और इन लोगों ने बताया कि जो टाइटल हम सोच रहे हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्शनल टाइटल है, तो हम बीमा एजेंट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बीमा एजेंट मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा था, कि बीमा एजेंट थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। मैंने दादा को कहा कि मुन्ना मिश्र बीमा एजेंट रखा। हम लोगों ने सेट पे चेंज किया, सेट पे चेंज किया, नहीं तो ये स्क्रिप्ट गई थी श्याम प्रजापति बीमा एजेंट के नाम से। लेकिन श्याम प्रजापति बीमा एजेंट उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है जितना मुन्ना मिश्र बीमा एजेंट देसी लग रहा था। देसी लग रहा था। देसी लग रहा। तो ये मैंने टाइटल दादा को भी बोला, धीरू बाबू को बोला, इन्होंने बोला हाँ यार ये टाइटल ज्यादा अच्छा है। तो एक अच्छी फिल्म तब बनती है जब सब लोग मिल करके उसको जीना चाहते हैं, सब लोग मिल करके उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे लिए अच्छी चीज़ थी कि मैंने 2-3-4 एडवाइस दिया, जैसे अपना लुक जो पहला वाला लुक है वो मैंने क्रिएट किया और धीरू बाबू ने उसे माना। तो ये अच्छी बात है कि एक डायरेक्टर को ये चीज़ समझ में आई। हमेशा ये चीज़ें किसी के लिए भी, जितने लोग भी हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने कई ऐसे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया है जिनको अगर मैं अच्छी एडवाइस ऑन सेट देना चाहता हूँ तो वो नहीं लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर आपकी फिल्म में मैंने आपका पैसा लिया हुआ है, मैं जितने दिन आपके साथ कर रहा हूँ एक मजदूर हूँ, काम किया मैं गया, फिल्म का हर शॉट देखिए। लेकिन आज अगर ये फिल्म चर्चे में है तो शायद इसकी वजह से पूरी टीम वर्क है। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छी फिल्म तब बनती है जब सब उसमें सहयोग देते हैं, और आप लोग का सहयोग जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ दिया, एक अच्छी फिल्म बनी। आप यश जी को लेके और कौन सी फिल्म बना रहे हैं उस बारे में? लेकिन इससे पहले मैं इसी से जुड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये हम तीनों यहाँ बैठे हैं ना, बहुत सीरियस बैठे हैं, लेकिन जब हम सेट पे थे ना तो हम इतने सीरियस नहीं थे। ये धीरू भाई की एक खूबी क्या है मालूम है, जितने ये मैं पहला डायरेक्टर के साथ काम किया हूँ जो पूरी की पूरी फिल्म में कहीं कोई टेंशन बिल्डअप नहीं होने देते। जितना मस्ती से यहाँ बैठे ना, कभी मूंछ नीचे कर रहे, कभी दाढ़ी खुजा रहे, वो वहाँ भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये जो एक काम करने का मजा है ना, आदमी उतना हंसता खेलता रहेगा ना तो एक दूसरे का सजेशन लेगा। ईगो लेके बैठे रहेंगे कि भाई मैं एक्टर हूँ, मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं खर्चा कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे, ये एटमोसफियर कभी भी नहीं हमारे सेट पर रहा। हमने 2 फिल्में की हैं और काफ़ी सारी फिल्में, और यश के साथ में एक सबसे अच्छी, सॉरी यार मैं जी नहीं लगा रहा। अरे दादा कैसी बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ी बुरी आदत पड़ी है, बाद में सोचता हूँ यार थोड़ा जी लगा रहा है। ठीक है, तो यश जी के साथ में अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू ऐसे बन गए। मैं कभी कभी यश को फोन करके बोलता हूँ धीरू यार ऐसे क्यों हो रहा है, और धीरू को बोल देता हूँ अरे यार यश यार बात नहीं यार, तो बोलते नहीं मैं धीरू हूँ। अच्छा तो क्या है, ये टीम जो है ना हमारी, जबकि इसमें बड़ी समस्याएं आई थी, इसमें हम लोग लखनऊ शूट करने गए और 4 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, सारी यूनिट को जैसे तैसे हम लोग बॉम्बे लाए और उसके बाद में 6 महीना हम सब घर बैठे रहे। लेकिन कहीं भी किसी मेकिंग में किसी प्रकार का, किसी भी आर्टिस्ट का, इसमें और भी जितने आर्टिस्ट हैं, कुदरती पूनम जी भी आई हुई हैं, आप भी हैं उस फिल्म में, तो उसमें किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एक फिल्म बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सेट पे पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। और यश के साथ में, मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है आदमी, ये ना इसको एक कैरेक्टर जीने का नशा है। और मैंने लगभग सबके साथ फिल्में की हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्टर शायद नए कुछ आए हो तो काम नहीं किया है, जितने पिछले 15-20 साल से सारे एक्टर के साथ काम किया है। लेकिन यश के साथ कैसा है ना, वो लड़ जाता है कि देखिए ये फिल्म है तो इसको हम अभी रोकेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि मेरा गेटअप ऐसा होगा, मेरा लुक ऐसा होगा, डायलॉग डिलीवरी ऐसा होगा। तो जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यश में है, तो हम मजबूर हो जाते हैं उसके साथ फिल्में करने का। सर एज ए प्रोड्यूसर आपने भी कुछ बातें की थी कि एक अच्छी फिल्म जब होती है तब मज़ा आता है करने में, तो ये कितनी खरी उतरी है आपके ऊपर, आपने फिल्म देख ली होगी बनने के बाद, और ये दर्शकों कितना उत्साह करेगी, कितना खुश कर पाएगी, एज ए एक्टिंग, एज ए स्क्रिप्ट, एज ए म्यूजिक, एज ए डायरेक्शन? ऐसा इसका सबसे सिंपल जवाब है कि अगर हम उसी टीम को लेकर दर्जन भर फिल्में बना लेते हैं ना, तो हमें ऐसा है कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नहीं तो आदमी क्या करते, एक फिल्म बन गई उसमें आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे, चलो यार ठीक है ख़त्म करो। इस जो हमने पिछली 2 फिल्में की, एक और की है कुदरत, उसके बाद में हमने ये सोच के रखा है कि यश जी के पास, अभी जी लगा, यश जी के पास जब जब टाइम होगा और धीरू जी के पास जब जब टाइम होगा हम फिल्म करते ही रहेंगे। अभी 1 फरवरी से 2 फिल्म और जानी है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत
लकी हूँ, बहुत भाग्यवान आदमी हूँ कि ऐसी अच्छी टीम मिली है काम करने के लिए। एज प्रोड्यूसर और क्या चाहिए, जो बिना किसी हेडेक के काम अच्छा हो जाए और अच्छी फिल्म आ जाए, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। यस जी, साल की शुरुआत में आपके लिए एक अच्छा तोहफा है दर्शकों के लिए, तो इस फिल्म से कितना एंजॉय किया है और कैसा रहा आपका पूरा सफर? जब अच्छी टीम हो तो मुझे लगता है कि साल का पहला दिन क्या और साल का आखिरी दिन क्या, हर दिन एंजॉयमेंट है और मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। दर्शकों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, दादा जैसे लोग, ये अगर मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और किस्मत भी बुलंद है। और शायद वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी कोई होती है, तो शायद यही वजह हो कि मेरे अंदर उनको एक अच्छा एक्टर दिखता है। मैं अपने आप को हर दिन मेहनत कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करूँ और आगे भी इसी टीम के साथ बहुत अच्छा हम लोग करते रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें कोशिश करेंगे। यह जी, एक फिल्म को हिट करने में संगीत का, गीत का भी बड़ा योगदान होता है। इस फिल्म के गीत हमने ट्रेलर में सुने, अच्छे लग रहे हैं, बड़े मधुर हैं, और इस पर कितना वर्क किया गया, क्या बारीकियाँ ध्यान दी गई? इसमें पूनम जी भी हैं और चांदनी जी, दोनों को हमने देखा है। पूनम जी इसमें सरप्राइज पैकेज हैं, दर्शकों को थोड़ा सा मजा आएगा, गुदगुदाएंगे। और फिल्म का जो मुझे लगता है कि सबसे जो फनी सॉन्ग है, बॉयफ्रेंड बनाना टाइम वेस्ट है, सीधे मर्द बना लो बेस्ट है, एक फिल्म का फनी सॉन्ग है जो जिसमें लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, तो उसमें पूनम जी ने अपना योगदान दिया हुआ है, स्पेशल अपीयरेंस किया हुआ है। और चांदनीपुरी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में काफ़ी आप लोगों को मनोरंजन पेश करेंगे वो। और मेहनत करते हुए मैंने देखा है चांदनी सिंह को, चांदनी बहुत अच्छी अभिनेत्रियों में से एक हैं, और मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके साथ और सबके साथ, जो लोग मेहनत करके आना चाहते हैं उन सबके साथ मेरे बेस्ट विशेज हैं। म्यूजिक के बारे में इतना कहूँगा कि कभी कभी किसी की अच्छी सोच को मैं एक उस टाइप का आदमी हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये बंदा डिजर्व करता तो बोलना चाहिए, लोग बोलने में चुप जाते हैं। जब हम लोग डायरेक्शन में था तो धीरू यादव मेरे जूनियर हुआ करते थे, मैं इनका सीनियर था जब हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर हम दोनों हुआ करते थे। फिर वक्त ने इसी इंडस्ट्री में मुझे हीरो बना दिया और धीरू यादव ने मेरे साथ काम करने से पहले 2-3 फिल्में की थी, लेकिन आए तो जब तक बाहर लोग काम करते हैं हम उसकी गुणवत्ता को नहीं समझ पाते हैं। तो जहां पे असिस्टेंट थे हमें तबला बजाया करते थे। अच्छा मैं जस्ट तबला बजाता ना, देख लो। तो जब मैंने देखा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट की समझ है, डायरेक्शन की अच्छी समझ है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो म्यूजिक, तो म्यूजिक के बारे में हो सकता है कि जो बहुत अच्छा श्रोता होता है ना वही बहुत अच्छा म्यूजिक का जानकार होता है। तो हो सकता है कि धीरू यादव खाली टाइम में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनते हों, क्योंकि धीरू यादव की एक बड़ी अच्छी खूबी है कि संगीत की बड़ी अच्छी समझ है इनको। आप इनके कोई भी गाने उठा करके देखिए तो वो दर्शकों के टेस्ट के हिसाब से बनते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। ये जी, ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रेलर देख रहा है उसमें पान खाते हुए जो दिखा रहे हैं जो सीन, बड़ा उस पान का एक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पॉइंट है जिसपे से जो पान खाते हुए जो बोल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत, ये किस तरह से इसमें इंक्लूड किया कि इनको पान खिलाते हुए? सर वो किरदार मैंने डिजाइन किया था, वो बात मैंने धीरू बाबू को बताई थी कि धीरू बाबू इस किरदार को डिजाइन करते हैं, मैं बाल ऐसा रखता हूँ, मैं पान खाता हूँ, मैं पेट को निकालता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये होगी। जब मैंने वो पूरे कैरेक्टर को डिजाइन करके बताया, इन्होंने कहा कि नहीं भैया ये बेस्ट है। तो पेट निकालने वाला आइडिया मेरे से चुराया था। तो इस ये फिल्म अभी देखिए, हमारे कैमरामैन है, जब हम लोग फाइट कर रहे थे तो फाइट कहाँ से क्या क्या आइडियाज आ जाते हैं। जहांगीर जी बैठे हुए थे, जहांगीर जी क्या बोलते हैं, यार चूंकि ये कैरेक्टर हमेशा पान खाता रहता है तो ये पान खाते खाते पान जो मुंह में भरा हुआ है, दो आदमी आ रहे हैं, मानो उसके ऊपर धार मारता है, दोनों आदमी उड़ के जा रहे हैं। तो ये इतना बेहतर उनका आइडिया लगा, क्यों? क्योंकि वो सब लोग फिल्म में इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व है तो ही आइडियाज दे सकते हैं, जब इन्वॉल्व नहीं है तो कोई आइडियाज नहीं देता है। तो धीरू जी बहुत तारीफें हो रही हैं एज ए एक्टर से भी और प्रोड्यूसर से भी, तो आप आगे फिर इनके साथ वर्क करने वाले हैं और इस तारीफ को कैसे लेते हैं? जल्दी करेंगे, बिल्कुल 100% जल्दी करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारी टीम के मेंबर पूनम जी इंक्लूड हों हमारे साथ। और आइए पूनम जी, खड़े हो जाएं क्या? तीन आदमी चार लोग बैठ नहीं नहीं आइए नहीं नहीं मैं चाहता हूँ अरे नीलमणि जी हैं, आइए आइए। और भाई इसमें इस फिल्म में पूनम जी ट्रेलर देखे हैं, हमारी टीम के हिस्सा है, अब तो इनसे तो पुनम जी कुछ कहेंगे आप? इतनी तारीफें हो रही हैं फिल्म की और ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है तो कितनी खुशी, कितना इस फिल्म में मैं एज ए गेस्ट काम कर रही हूँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी,
और सबसे स्पेशल पार्ट ये है कि अभी तक मैंने जितनी फिल्में की है उसमें या तो हीरो के साथ रोमांस करने को मिला है या तो छेड़छाड़, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है कि मैं खुद वो गाना करते करते मैं यश जी के लुक को देख के ऐसे एडमायर हो रही हूँ और मैं फिर यार मतलब इससे अच्छा रोल हो ही नहीं सकता। और यश जी के साथ अभी तक मैंने बहुत सारी फिल्में की है और इनके साथ काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और आदिशक्ति एंटरटेनमेंट मतलब दुर्गा दादा के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की है और मैं क्या बोलूँ, ही इज़ वर्सेटाइल एक्टर एंड गुड ह्यूमन बींग फ्रेंड, वो तो अलग ही बात है। पूनम जी, जो ट्रेलर लॉन्च हुआ उसमें आपको आपके ऊपर एक गाना फिल्माया गया है, आपके कुछ उसमें डायलॉग्स भी हैं जी, तो आपने देखा, आपको कैसा लगा है कि ये ट्रेलर किस तरह का है, आपको उस बारे में बताइए। ट्रेलर बहुत गुदगुदाने वाला है और दर्शकों को बहुत प्यार मिल दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। और मुझे अपने तरफ से बोलूं तो मुझे खुद हंसी आ रही, मैं एक फिल्म अभिनेत्री एक फिल्मी दुनिया की हो करके जब मुझे इतनी हंसी आ रही तो हमारी ऑडियंस को कितना मजा आएगा। इस फिल्म में आप बता रहे हैं कि गेस्ट की भूमिका में है, लेकिन यश जी के साथ आपको काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी आने वाली कोई फिल्म है यश जी के साथ या कर रही हैं? मैंने अभी जस्ट हाल फिलहाल में यश जी के साथ एक फिल्म कंप्लीट की है जिसका नाम है पारो, और मुन्ना मिसिर बीमा एजेंट के साथ भी मैंने एक फिल्म साथ में ही कम्बाइन शूट किया था कुदरत, वो भी आने वाला है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट आ रही है पारो, जो मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है, उसके डायरेक्टर हैं नीलमणि जी और मेरे को एक्टर है यश जी। यूनिक फिल्म, यूनिक फिल्म है, बहुत बहुत यूनिक फिल्म है हमारे पास ही है। और आगे हम लोग एक फिल्म करने जा रहे हैं जो उसका टाइटल रखी बहुत इमोशनल है यार। जब वो मुझे फिल्म सुनाई गई तो मैंने दादा ने मुझे उसमें हीरो का रोल सुनाया था, वेरी ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता दूँ, दादा को कहानी सुनने का मैंने कहा दादा मैं बॉयफ्रेंड का रोल नहीं करूँगा, तो बोले क्यों यार, भाई का जो किरदार है वो अलग ही है, वो एक अलग जोनर की फिल्म है। तो दादा ने बोला कि अभी एक फिल्म में तुम पूनम को बॉयफ्रेंड बने थे अभी भाई, मैंने कहा अभिनेता किसी किरदार का मोहताज नहीं होता है, वो जो किरदार करे उस किरदार में रम जाए यही अभिनेता की पहचान होती है। तो पहली बार भाई बहन बनकर के हम लोग 1 फरवरी से शूटिंग करने जा रहे हैं। एक अहम सवाल है जो कुछ कंट्रोवर्सी है, हाँ। इस वक्त दो बड़े कलाकारों के बीच में बहस छिड़ी हुई है भोजपुरी की, और ये बहस जो है भोजपुरी सिनेमा को नुकसान दे